16 जिलों में प्रभारी सचिव बदल दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासनिक फेरबदल बड़े स्तर पर हुआ है। आईएएस इंद्रजीत सिंह को कोटपुती बैरोड तेजारा भेजा गया है। आईएएस वैभव गालरिया को अलवर का प्रभारी सचिव बनाया गया है। शिव प्रसाद एम नकाते को बांसवाड़ा का प्रभारी सचिव बनाया गया है। 16 जिले ऐसे हैं जिनमें इन प्रभारी सचिवों को बदला गया है। एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र पंचोली इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। योगेंद्र, 18 जिले ऐसे हैं जिनके प्रभारी सचिव बदले गए हैं, कौन से बड़े नाम हैं? 16 जिले हैं और ये भी जानना चाहेंगे कि अचानक से सूची को लेकर क्या कोई अलग से कोई कारण आया, इससे रूटीन ट्रांसफर ही माना जाए? प्रभात, सबसे बड़ी बात यह होती है कि प्रशासनिक कारणों से सरकार किसी भी अधिकारी को, ब्यूरोक्रेट्स को कहीं पे भी लगाया जा सकता है। और खास तौर पर अगर बात करें तो प्रभारी जो सचिव हैं, जो कि जिले में सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। हालांकि ये जो प्रभारी सचिव लगे हुए थे, पहले से लगे हुए थे, लेकिन अब इन्हें बदला गया है। हालांकि ये जो 16 जिले हैं उनमें प्रमुख जिम्मेदारियां इनको दी गई है, चाहे वैभव गालरिया की बात करें या फिर जो टी रविकांत हैं या फिर मंजू राजपाल हैं, आईएएस अधिकारी हैं, नीरज के पवन हैं, राजेश यादव हैं, अधिकतर इनमें जो अधिकारी हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के हैं। और खासकर ये होता है कि जो जिम्मेदारी होती है या तो एसीएस संभालता है या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो ऐसे में प्रिंसिपल जो प्रमुख शासन सचिव श्रेणी के जो अधिकारी हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। हालांकि वो सचिव शासन सचिव से के लेवल के भी अधिकारी इसमें हैं, क्योंकि इन जिलों में कुछ जो नए जिले जिनका नवगठन भी पिछली सरकार में हुआ था, तो उन जिलों की जिम्मेदारी और सरकार की जो योजनाएं हैं इनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उनका लाभ लोगों को मिले, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में सरकार प्रशासनिक तौर पर और प्रशासनिक जो चीजें होती हैं और किस तरह से सरकार की जो रूलिंग होती है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, योजनाओं का लाभ किस तरह से लोगों को मिले, क्योंकि ये तमाम जो अधिकारी हैं वो जयपुर राजधानी में बैठते हैं, सचिवालय में बैठते हैं, और ये अपने अपने जिलों में जिस तरह से प्रभारी मंत्री लगाए जाते हैं और तमाम एक रिपोर्ट तैयार होती है, उसी तरीके से जो प्रभारी सचिव होते हैं जिलों की मॉनिटरिंग और जिलों में जितना विकास होता है और तमाम जो एक रिपोर्ट कार्ड जारी होता है उसमें भी प्रभारी जो सचिव होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं, उनका रोल होता है। जी शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जिलों में उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग हो, इसको लेकर ये जिला सचिवों का फेरबदल सामने आया है। 16 जिले ऐसे हैं जिनमें इनमें बदलाव किया गया है। बड़े कुछ नाम हैं इनमें। आईएएस वैभव गालरिया का इसमें नाम है, नीरज के पवन का नाम है, शिव प्रसाद एम नकाते का इसमें नाम है।